हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू हेलो बायोलॉजी। तो बच्चों आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाली है, वह टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है, ये टॉपिक जो है किस चैप्टर का टॉपिक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। और ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन की, ये हमें देखने को मिलती है फ्लावरिंग प्लांट या जिनको हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमें जानना जरूरी है पिस्टल के स्ट्रक्चर को और एम्ब्रायो सैक को। तो पिस्टल जो है उसमें मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है जिस पर पॉलेंस रहते हैं, ठीक है, जिस पर पॉलेन आते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। इससे अटैच एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है, और यहां से जो स्वेलन पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर प्रोड्यूस होता है या फॉर्मेशन होती है एग सेल या फीमेल गैमेट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट हम एम्ब्रायो सैक को कहते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं या मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है एम्ब्रायो सैक के स्ट्रक्चर को। तो एम्ब्रायो सैक का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक सेवन सेल और एट न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है, यानी कि सात उसमें सेल्स हैं और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की संख्या एट है। ऐसा कैसे? तो ये देखो, तो ये पूरा एक एम्ब्रायो सैक है। एम्ब्रायो सैक के अंदर ऊपर की तरफ तीन सेल्स होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और इनकी पोलॉइडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड। सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, जिसकी पोलॉइडी होती है डिप्लॉइड। ठीक है, बॉटम में यहां पर तीन सेल्स होती है, तो ये साइड वाली जो सेल्स होती है इनको हम सिनर्जिक सेल्स कहते हैं, इसकी पोलॉइडी भी हैप्लॉइड होती है। और सेंटर में होती है एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट जिसकी पोलॉइडी होती है हैप्लॉइड। तो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करें तो तीन ऊपर, तीन नीचे, छह और एक यहां पर सात, तो टोटल नंबर ऑफ सेल सेवन और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थ्री, सिक्स और दो न्यूक्लियाई यानी कि डिप्लॉइड, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, एट न्यूक्लियस। ठीक है, तो एट न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। तो अब प्रोसेस कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या कैसे होता है? तो देखो, जब यहां पर पोलन आते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर न्यूट्रिशन मिलता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर न्यूट्रिशन मिलने के बाद इसमें जर्मिनेशन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किससे? पोलन से। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि पोलन जो होते हैं उनमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो आगे जाके फॉर्म करती हैं पोलन ट्यूब को, दूसरी सेल्स जो होती हैं वो होती है जर्मिनेटिव सेल्स। तो जर्मिनेटिव सेल्स में डिवीजन होता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म सेल्स। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक पहुंचती है। ठीक है, ओव्यूल तक पहुंचती है और इसके सहारे ये जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये जो मेल गैमेट्स हैं ये एम्ब्रायो सैक में एंटर होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जब मेल गैमेट्स जो हैं एम्ब्रायो सैक में एंटर होते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये जो सिनर्जिक सेल्स होती हैं ये डीजनरेटेड हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है, ये दो मेल गैमेट्स हैं, तो जो मेल गैमेट पहले एंटर करता है, ठीक है, जो मेल गैमेट पहले एंटर करता है वो फ्यूज करता है एग सेल को। ठीक है, स्पर्म सेल, पोलॉइडी, हैप्लॉइड, एग सेल, पोलॉइडी, हैप्लॉइड। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो सेल बनती है, यानी कि फर्स्ट मेल गैमेट जो था वो एंटर किया, उसने फ्यूज किया एग सेल को, और इनके फ्यूजन से यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ, इनके फ्यूजन से जो सेल बना उसको हमने नाम दिया जायगोट। तो जायगोट, इसकी पोलॉइडी क्या होगी, 1n+1n, n प्लस n इक्वल टू 2n। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
स्पर्म सेल और एग के बीच में, ठीक है। अब जो दूसरा मेल गैमेट था, जो दूसरा मेल गैमेट था, अब उसके पास तो फर्टिलाइजेशन के कुछ नहीं बचा, वो किसके साथ फ्यूज करे, तो वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई। तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल और पोलर न्यूक्लियाई के बीच में होता है। अब यहां पर देखो जो पोलॉइडी है मेल गैमेट की या स्पर्म सेल की क्या है, हैप्लॉइड, जबकि पोलर न्यूक्लियाई की पोलॉइडी क्या है, 2n। तो यहां पे जो सेल प्रोड्यूस होगी इनके फ्यूजन से वो होगी ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और इस सेल को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट है यहां पर हमें दो बार देखने को मिल रही है। पहला फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, इनके परिणाम स्वरूप जो सेल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, और इनके परिणाम स्वरूप जो सेल बनती है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ट्रिप्लॉइड। क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉइड है, तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नीट में कि ट्रिपल फ्यूजन किसके बीच में होता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन में होता है। अब ये एंडोस्पर्म जो है इसकी प्लॉइडी क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट में, इसकी प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म का यूज क्या है, तो एंडोस्पर्म जो है ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दी डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ उसको शेयर करें।